ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक गांव है मौजाडी वाला, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये मेरी बेटी है, इसका नाम आयशा हमजा है। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसको यूवेन सरकोमा है और इसका जो हाथ है ये रिमूव कर दिया जाएगा, तो उस वक्त मेरे सामने तो बिल्कुल अंधेरा छा गया आंखों के सामने। तो मैं कहा अल्लाह ये क्या है, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ। मायूस लोग हैं हम लोग, कैंसर का मरीज मायूस है इंसान। वो लम्हा तो बहुत तकलीफ दे होता है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले ब्लड कैंसर का कोई मरीज देखा भी नहीं था। उन्होंने कहा जी ये बहुत छोटी है, आप जेन बना लें, कुछ भी हो सकता है। किडनी में ट्यूमर है, रिमूव करनी पड़ेगी। जब हमें पता चला था तो बस समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, कहाँ से लेकर जाएं। मैं पहले बीमार था, फिर मुझे बुखार हो गया, मेरे पेट में और गले में सोलिया थी। एक हफ्ता इसको बैठ के हम लोग रोते रहे। World Health Organization estimates that cancer leads to the second highest number of deaths in the developing world. In Pakistan, over 150,000 new cases of cancer occur every year. ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਅਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਚਲਾਤਾ ਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਏਗੇ ਔਰ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਮੈਂ मतलब इसके लिए कुछ कर सकूं। और मेरे मियां बिल्कुल बेरोजगार थे। On average, cancer treatment costs half a million rupees per patient, an amount most cannot afford, even though it is just a fraction of the treatment cost in the West. Shaukat Khanum is a unique hospital which has been providing free or subsidized treatment to over 75% of the patients since its inception in 1994. Shaukat Khanum mein bahut acha yahan ilaaj kiya jata hai, itna hausla dete hain aur ek ummeed ke sath insaan yahan ilaaj karata hai. यहाँ पर एक तो कैंसर के खिलाफ जंग जारी है और हमारा स्लोगन भी ये है कि कैंसर इज क्योरेबल। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के जो नर्स स्टाफ जितना भी है सब बहुत फ्रेंडली सबसे पेश आते हैं। यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे सब एक घर की तरह और फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो दिन दिनों में मेरी हो रही थी ट्रीटमेंट कुछ, उन दिनों में आई केम अक्रॉस अ वुमन विद अ लिटिल बेबी। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग दैट यू हैव दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, यू कैन कंपेयर इट विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह डॉक्टर ने मुझे 80% से अधिक चांसेस दिए कि आप बच सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल एक सिटी ही बना दी है कि हर टेस्ट यहाँ हो जाता है, हमें कहीं और नहीं भागना पड़ता। जैसे जैसे इलाज होता गया और ये बेहतर होता गया तो जाहिर है फिर एक नई खुशी मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा हॉस्पिटल यहाँ इमरान खान ने बनाया है कि हम अपने मुल्क में ही इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ये यहाँ ना होता तो फिर हम कहाँ जाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है बिल्कुल साजियाना ज्यादा बड़ा सही थी इमरान खान था अला पक जनात के दोस्त को नसी गला पर ज्यादा वेर की उनका इलाज फ्री कराया है। The hospital was developed at the cost of $22 million and nearly $50 million are required each year to run it, half of which is raised with your cooperation and support. Over the last 17 years, the hospital has spent over $150 million in providing free or subsidized treatment to poor cancer patients. Increasing the capacity to treat more patients remains main focus of the hospital, and we have taken initiative to build two more hospital facilities, one in Peshawar and the other in Karachi. जिन लोगों ने यहाँ डोनेशन दिए, ज़कात दिए, उनको अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने कितने बच्चों की
जान यहाँ पे बचाई है। इमरान, वी हैव ऑल द होप्स फॉर यू, विद यू ऑल द होप्स, एंड वी नीड टू वर्क विद यू एंड डू व्हाट एवर वे वी कैन हेल्प। चाहे मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी ना इस हॉस्पिटल के लिए, तो मैं भीख मांगा इसकी फंड इकट्ठा करूंगा। मैं अपने बेटे को एक वसीयत कर रही थी कि बेटा मैं हूं ना, अल्लाह आपको कल को बहुत दे, लेकिन कोशिश करना कि जितना कर सको शौकत खानों में करना, दिल खोल के दे एहतियात जितना हो सके, क्योंकि यहाँ रहेगा नहीं जाएगा। We have been able to save thousands of cancer patients because of your support. But there is a long way to go and many more lives to save. Shaukat Khanum Hospital will always need your support. So donate today because cancer is curable. अल्लाह ताला मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे। मैं उनके पाँव पे गिर कर उनके लिए यकीन के बहुत दुआएं निकलती हैं उनके लिए। हम लोग पांच वक्त की नमाज पढ़ कर उसके लिए जोलियों उठा उठा के दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला उसको फौरी मत दे। शौकत खानम, आई लव यू, थैंक यू।